वेली गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीरियल उड़ाई की उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के साथ। ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ इधर दिखाता है कि आशिमा अपनी याददाश्त भूल जाती है, वही उधर दूसरी तरफ दिखाता है कि मुर्तजम इस बात का फायदा उठाता है और उसका नाम नूर रख के उसको बोलता है कि तुम इसी जगह के हो। वही इधर दिखाते हैं कि अरमान को होता है कहीं ना कहीं एहसास राजा के होने का, लेकिन इधर दिखाते हैं कि अरमान बोलता है अपनी माँ को जब उधर वो तेरवी मना रही होती है राजा की, तो इधर बोलते हैं अरमान कि राजा जिंदा है, आशिमा ने बोला है तो राजा जिंदा ही होगा। और वही उसी समय आलिया आ जाती है और आलिया बोलती है कि राजा जिंदा है, मैं उसको वापस लेके आई हूँ। इस बात से अरमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और झूमने लग जाता है। वही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आशिमा जाती है ऑटो राइड पे और ऑटो राइड के उधर सुनाई देता है गुरुद्वारे में भजन, जहाँ उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने पहले कहीं सुना है, तो रुक जाती है वो जगह और वो याद करने लग जाती है पुरानी मेमोरीज। वही इधर दोस्तों देखने में मजेदार रहेगा कि आलिया के इस एक्शन से, यानी कि आलिया जताना चाहती है कि मैं ढूंढ के लाई हूँ राजा को और सबके नजरों में उसका दिल जीतना चाहती है, यानी कि अरमान का दिल जीतना चाहती है और सभी का घर वालों का दिल जीतना चाहता है। अब वही इधर दिखाते हैं कि अरमान गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रहा होता है, उसको आशिमा की झलक दिखाई देती है। आशिमा को उसको ऐसा लगता है कि आशिमा उसके पास आ गई है और उसके साथ प्रार्थना कर रही है। तो वही दोस्तों देखने में मजेदार रहेगा कि आशिमा सच्ची में आ पाएगी दूसरे मुल्क, अपने मुल्क आ पाएगी या होगा इस बार कुछ नया। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।